कुप्यांस में रूस का बारूदी प्रहार जारी है। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से किया गया है हमला। रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर है, नीपर में रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्टिलरी सिस्टम तबाह। रूस ने रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया है। और अगली बड़ी खबर, ज़ापोरिज़्या में रूस ने यूक्रेन का ड्रोन गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को ढेर किया। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर किया था ड्रोन से हमला। और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर रॉकेट से हमला। टॉर्नेडो GMLRS से किया गया है अटैक। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को इसमें निशाना भी बनाया गया है। एक और अहम खबर है, यूक्रेन का रूसी टैंक पर ड्रोन से हुआ है हमला। बारूदी ड्रोन ने रूसी टैंक को उड़ा दिया। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह। और रूसी ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस का टैंक उड़ा दिया। यूक्रेनी हमले में टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और मॉस्को पर बहुत बड़े हमले का प्लान लीक हो चुका है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अशांति भड़काए जाने का षड्यंत्र तैयार हो चुका है। आशंका यह भी है कि राष्ट्रपति पुतिन पर जानलेवा हमला हो सकता है। यह पूरा प्लान पुतिन के यूरोप विजय अभियान को रोकने के लिए तैयार किया गया है। सीक्रेट रिपोर्ट है कि इस पूरी साजिश के पीछे अमेरिका और यूक्रेन हो सकते हैं। देखिए मॉस्को पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कैसे साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मॉस्को इस वक्त शांत है, लेकिन अगले 48 घंटे के भीतर मॉस्को में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। मॉस्को पर प्रचंड मिसाइल हमले हो सकते हैं। मॉस्को में विद्रोह भड़कने की आशंका है। मॉस्को में पुतिन की हत्या की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। मॉस्को के अमेरिकी दूतावास ने यह चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे में मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक कुछ चरमपंथी संगठन मॉस्को को निशाना बनाने की तैयारी में। अमेरिकी दूतावास के इस दावे से पहले ही रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB ने मॉस्को के VIP इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है।
क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई। इस बैठक में खुफिया रिपोर्ट पेश की गई और रूस ने आशंका जताई है कि मॉस्को में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़काने की साजिश है। इस साजिश में यूक्रेन और कई विद्रोही संगठन शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी दूतावास भी साजिश में शामिल हो सकता है। दरअसल अमेरिकी दूतावास पर शक की सुई ठहरने की एक बड़ी वजह है। मार्च को रूस ने अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को तलब करके रूस में सक्रिय कई अमेरिकी एनजीओ पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने मॉस्को पर हमले का अलर्ट जारी किया और अमेरिकी नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी। रूस में 15 से 17 मार्च को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और उससे पहले रूस को अस्थिर करने के लिए बड़े हमले किए जा सकते हैं। ये अलर्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के काफिले पर हमला होने के 24 घंटे बाद आया है। छह मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ग्रीस के पीएम सहित ओडेसा दौरे पर थे। जैसे ही उनकी कार एक सिग्नल पर रुकी तभी काफिले के पास जोरदार धमाका हुआ। इसके 24 घंटे के भीतर मॉस्को पर बड़े हमले का अलर्ट जारी हो चुका है जिसका सबसे बड़ा टारगेट राष्ट्रपति पुतिन हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन चुनाव की वजह से प्रचार अभियान पर हैं और आशंका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की तरह पुतिन को निशाना बनाया जा सकता है। ১৯৬৪ के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी टेक्सास के डैलस शहर के दौरे पर थे। वो एक लिमोजीन में सवार थे तभी एक स्कूल की खिड़की से एक स्नाइपर ने उनके सिर और गर्दन में गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि पुतिन की हत्या भी इसी तर्ज पर की जा सकती है। शक है कि इसके लिए यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के विद्रोही गुटों का एक गठबंधन तैयार किया है। रूस के विपक्षी नेता नवेलनी की हत्या के बाद इनकी मीटिंग बुलाई गई। यूक्रेन की मीटिंग में मॉस्को और पुतिन पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन अपनी जमीन पर छिड़ी जंग को खत्म करना चाहता है और उसका रास्ता है पुतिन की सत्ता का अंत, जिसके लिए विद्रोही गुटों को चुना गया है। बड़ी खबर है, बीकानेर में भारत जापान का युद्धाभ्यास चल रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ड्रिल हुई है। दोनों देशों के 40 जवानों ने दिखाया है शक्ति प्रदर्शन। आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है एक्सरसाइज। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीकानेर की तस्वीर है जहां शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस युद्धाभ्यास से पाकिस्तान के भीतर खलबली मची हुई है। भारत और जापान की ये बारूदी ड्रिल हो रही है जिसमें 40 जवान शामिल हैं। और बड़ी खबर है, गुरुग्राम में एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यूट्यूबर मैक्सटर्न से मारपीट का आरोप है। एल्विश यादव की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, साथियों के साथ मारपीट करते दिख रहा है एल्विश यादव। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है। रूस को यह लगातार दूसरा झटका है। नाटो को लाख धमकी देने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन दोनों नाटो में शामिल हो गए। अब यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करके इशारा दे दिया गया है, जल्द नाटो उसे भी सदस्य बनाएगा। लेकिन इस बीच पुतिन ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक बारूद की बारिश हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए।
जिस सवाल का जवाब ज़ेलेंस्की बार बार मांग रहे थे उसका जवाब अमेरिका ने दे दिया है। Sweden officially joined and their minister is here tonight. Welcome. जिस सवाल का जवाब रूस के खौफ खाए नेटो देश मांग रहे थे उस सवाल का जवाब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दे दिया। We will not walk away. मिस्टर पुतिन अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला, इतिहास देख रहा है, इतिहास याद रखेगा। यानी अब अमेरिका और दूसरे नेटो देश खुलकर रूस से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए तैयार है। हर उस नेटो सदस्य की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं जिन्हें पुतिन अपने विस्तारवाद के पंजे में फंसाना चाहते हैं। वैसे भी अमेरिका का इतिहास रहा है वो दूसरे देश में जाकर युद्ध लड़ता रहा है। यूक्रेन के मामले में भी ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन पहले नेटो उन देशों की सुरक्षा की सौगंध खा चुका है जो उसके सदस्य बने हैं, जिसमें 32वां नंबर स्वीडन का है। अमेरिका ने बड़ी होशियारी से तय तारीख से 5 दिन पहले स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने का औपचारिक ऐलान कर दिया। जाहिर है इससे पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। इसका सीधा मतलब है कि अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और नजदीक आ चुकी है। हालांकि नेटो ने पलटवार की तैयारी की हुई है, अगर रूस हमला करता है तो नेटो ने उन सदस्य देशों में डिफेंस सिस्टम लगा दिए जिनका बॉर्डर रूस से लगता है, जिसमें पैट्रियट और नेशंस को फ्रंट लाइन पर लगाया गया है। नॉर्डिक देशों में एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। इसी तरह बाल्टिक देशों में भी अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है, जबकि बाल्टिक और ब्लैक सी में सबमरीन और वॉरशिप भेज दिए गए हैं। इसके अलावा यूरोप में रूस के पास पड़ने वाले नेटो सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है ताकि हमला होने पर तुरंत एक्शन में वो आ सके। खासतौर पर नेटो का फोकस नॉर्डिक और बाल्टिक देशों की सुरक्षा पर है जो रूस के टारगेट पर है। नेटो की तैयारी को देखते हुए रूसी सेना प्रमुख ने इसे अमेरिका का षड्यंत्र करार दिया है जिससे यूरोप में विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। नेटो जबरदस्त तैयारी कर रहा है। एक तरफ नॉर्वे और पोलैंड में वॉर ड्रिल की जा रही है, दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। साथ ही हाईटेक हथियारों की खेप भी पहुंचानी शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ नेटो के फाइटर जेट F-16 ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक उड़ान भर रहे हैं। नेटो के F-16 ने रूस के IL-76 को टारगेट किया जो कैलिनिनग्राद जा रहा है। नेटो को अंदेशा है कि रूस कैलिनिनग्राद में बड़ी तैयारी कर रहा है, इसलिए नेटो ने भी बाल्टिक सागर में ऐसा घेरा तैयार किया है जो रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूरोप में नेटो ने जो घेरा तैयार किया है वो इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। यही वो रिंग ऑफ वॉर है जिसमें रूस को फंसाकर तबाह करने की तैयारी। पूर्वी यूरोप के उन देशों में नेटो ने सारे ठिकाने बना लिए हैं जो नेटो के सदस्य देश हैं। इसमें नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। स्वीडन को कल नेटो में शामिल करके इस घेरे को मजबूत कर लिया गया, जबकि बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया पहले से ही नेटो में शामिल है, जबकि इससे आगे पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स भी नाटो के सदस्य देश हैं। यानी पूर्वी यूरोप में ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो गया है जहां अगर पुतिन हमला करके किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो सारे देश मिलकर पलटवार कर सकते हैं। एक
एक तरफ पूर्वी यूरोप में नेटो की घेराबंदी, जिसमें तमाम नेटो सदस्य देशों में एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार देकर रूस को तबाह करने की तैयारी है। यानी रूस को ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक घेर लिया है। बाल्टिक में क्यों उसे घेरा जा रहा है ये समझिए। जिससे रूस का कनेक्शन बाल्टिक सागर से पूरी तरह कट जाए, साथ ही पूर्वी यूरोप में बाल्टिक से लेकर नॉर्थ सी तक का कारोबारी रूट रूस के लिए ब्लॉक हो जाए। बाल्टिक में घेराबंदी के अलावा ब्लैक सी में नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है, जिससे वो क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा कराकर रूस को वहां रोक दे। ये समझिए, अगर क्रीमिया रूस से छिन गया तो उसका काला सागर और भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक सी तक का रास्ता खत्म हो जाएगा, जो कि रूस के लिए बड़ा कारोबारी रूट है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन का साथ देने का वादा कर दिया है, यहां तक कि पुतिन पर वॉर क्राइम के तहत इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की वकालत की है। ऐसा नहीं है कि पुतिन नेटो की चाल से अनजान है, इसलिए पुतिन भी युद्ध की तैयारी काफी वक्त से कर रहे हैं। पुतिन लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूरोप में उन तमाम देशों पर हमले करेंगे जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। इसके अलावा समंदर से सबमरीन के निशाने पर वो देश होंगे जहां तक पुतिन रूस का विस्तार स्टालिन स्टाइल में करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एटमी जलजला कभी भी आ सकता है, इसलिए नेटो को नए ब्लूप्रिंट को अमल में लाने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि रूस बदला लेने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। पुतिन ने पूरे यूरोप की घेराबंदी करने का बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक सी से ब्लैक सी तक यूरोपीय देशों पर हमले करने के लिए सबमरीन अलर्ट मोड में रहेंगी। ये घेराबंदी नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बैरेंट्स सी, कारा सी, बेरिंग सी के अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी तक की जा रही है, जिससे पुतिन हर उस यूरोपीय देश पर हमला कर सके जिसने यूक्रेन की मदद की और जो नेटो में हाल ही में शामिल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।